धातुओं का संक्षारण दो प्रकार का होता है, पहला कहलाता है वर्ण दूषण और दूसरा कहलाता है छिद्रिंग संक्षारण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लोहे और संक्षारण दो प्रकार का होता है, वर्ण दूषण और छिद्रण संक्षारण। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सोने चांदी और एल्यूमिनियम पर सिर्फ ये धातुएं काली हो जाती हैं, संक्षारण की क्रिया आगे नहीं बढ़ती है, इसे हम वर्ण दूषण कहते हैं। वर्ण दूषण में क्या होता है, धातुओं और मिश्र धातुओं की सतह पर संक्षारण का प्रभाव केवल एक बार होता है, जिससे इनकी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ जाती है। इस सुरक्षात्मक परत, ये सुरक्षात्मक परत धातु और मिश्र धातुओं को चारों तरफ से ढक लेती है, जिससे आगे और संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, या है हम कह सकते हैं कि संक्षारण की क्रिया रुक जाती है और धातुएं आगे संक्षारित होने से बच जाती हैं। इस प्रकार का संक्षारण कहलाता है वर्ण दूषण, जैसे कि सोना चांदी और एल्यूमिनियम पर होता है। इन पर क्या होता है, वातावरण में वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करती हैं और ऑक्सीजन की क्रिया होने से इनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत चढ़ने के कारण ये इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है, जिससे संक्षारण की क्रिया आगे नहीं होती है, आगे संक्षारित होने से बढ़ जाती हैं। इस प्रकार का संक्षारण कहलाता है वर्ण दूषण। केवल संक्षारण की क्रिया एक बार होती है, बार बार नहीं होती है और धातुएं आगे संक्षारित होने से बच जाती है। जबकि हमने लोहे में देखा कि लोहा क्या होता है, संक्षारण के कारण धीरे धीरे पहले लाल होता है, फिर भूरा होता है, फिर काला हो जाता है, फिर वो भुरभुरा होकर के सतह टूटने लगती है और कई बार गड्ढे भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार का संक्षारण कहलाता है छिद्रण संक्षारण या गर्त संक्षारण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धातुओं की और मिश्र धातुओं की सतह पर संक्षारण की क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे उसकी सतह पर जिस जगह पर संक्षारण की क्रिया लगातार चल रही है या आगे परत सुरक्षात्मक परत हटती जाती है या दरारें पड़ती जाती हैं, तो उस सतह पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं या गर्त बन जाता है। इस प्रकार का संक्षारण कहलाता है गर्त संक्षारण या छिद्रण संक्षारण। गर्त संक्षारण और छिद्रण संक्षारण की क्रिया धातु की सतह पर उपस्थित सुरक्षात्मक परत टूटने के कारण, धातुओं के अलग अलग प्रकार के कारण, अशुद्धियों के कारण, धातुओं की सतह पर घुमाव टर्न्स और मोड़ होने के कारण, धातुओं पर उनकी बनावट के कारण, संरचना के कारण, वातावरण में उपस्थित नमी के कारण, अम्लीय वातावरण होने के कारण या विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा होने के कारण एनोडिक और कैथोडिक क्षेत्र बनने के कारण एनोडिक क्षेत्र पर धातुओं का संक्षारण लगातार होता रहता है और धातु की सतह पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसे छिद्रण संक्षारण कहते हैं। छिद्रण संक्षारण में धातु क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है और ये क्षेत्र कहता है इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये क्रिया एनोडिक क्षेत्र पर होती है, एनोड पर होती है और यहाँ पर धातु लगातार संक्षारित होती जाती है। धातु लगातार अपने धातु आयन्स में बदलती जाती है और धातु आयन में बदलने के कारण संक्षारित होकर के धीरे धीरे उस सतह पर गड्ढा बन जाता है, जिसे हम छिद्रण संक्षारण कहते हैं। थैंक यू।